आत्मा की शांति के लिए जरूर दुआ करें। एक दुखद भरी खबर इस समय जीएमसी जम्मू के मोर्चे से आप इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू के पलोड़ा में रह रहे एक बीएसएफ के जवान का शव जो है वो संदिग्ध परिस्थितियों में वहां पर पाया गया है, जिसके बाद इस समय जो है वो उनको जीएमसी जम्मू में यहाँ पर लाया गया है। काफी दुखद पल जम्मू ट्रिब्यून के माध्यम से आप इशारा कर रहे हैं कि किस तरह से एक बीएसएफ के थे और इन दिनों जम्मू के पुलवामा में यहाँ पर जो है वो तैनात थे, लेकिन ऐसे में रहते थे अपने परिवार के साथ यहाँ पर वो रहते थे, जिसमें उनकी पत्नी और बेटे। लेकिन आज जब ये कहने के संदिग्ध परिस्थितियों में एक शव मिला तो उसके बाद परिवार में जो है मातम छाया हुआ है कि आखिरकार पठानकोट के रहने वाले बीएसएफ के जवान के साथ ऐसा क्या हो गया। हालांकि कुछ भी कहना ज्यादा ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि पुलिस भी जो हम मौके पर वहां पर पहुंची थी और मामले की जांच जो हम गंभीरता से की जा रही है, पता ये लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार बीएसएफ के इन जवान के साथ जो है ऐसा क्या हुआ है। लेकिन आत्मा की शांति के लिए जरूर आप लोग भी दुआ कीजिएगा। काफी दुखद रहता है जब इस तरह की जो हम खबरें सामने आती है कि एक जवान जब जो हम किसी भी सेना में भर्ती होता है तो परिवार में काफी ज्यादा खुशियां रहती है, लेकिन जब इस तरह की खबरें सुनने को मिलती है तो हर किसी की रूह कांप जाती है कि आखिरकार किस तरह से ये एक इतना बड़ा जो नुकसान है वो यहाँ पर जो हमें देखने को मिला। तो साथ के साथ ओम शांति जरूर लिखते चले, क्योंकि काफी दुखद पल है जो कि इस समय जीएमसी जम्मू से आप तक साझा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं तमाम बीएसएफ के जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भी इस समय यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और हर किसी की आंखें इस समय नम है, क्योंकि हर कोई जो है ये सोच रहा है कि आखिरकार पठानकोट के रहने वाले जो एक बीएसएफ के जवान जम्मू के पुलवामा में यहाँ पर ड्यूटी पर तैनात थे और ऐसे में उनके कमरे से यहाँ पर वो रहते थे वहां पर उनका ये कहें कि शव जो है वो संदिग्ध परिस्थितियों में यहाँ पर मिला है, जिसके बाद हर कोई यहाँ पर परेशान है और हर किसी की आंखें इस समय यहाँ पर नम है कि आखिरकार ये सब जो है वो कैसे हो गया। तो ओम शांति आप सब लोग भी जरूर लिखे और इनकी आत्मा की शांति के लिए जो है वो जरूर दुआ करें। पुलिस से भी अपील रहेगी कि मामले की पूरी निष्पक्ष तरीके से तहकीकात होनी चाहिए और पता लगना चाहिए कि आखिरकार इनके साथ ऐसा क्या हुआ है। लेकिन दुखद रहता है जब इस तरह के मामले देखने को मिलते हैं, क्योंकि अपने परिवार के साथ जो है वो जम्मू के पुलवामा में यहाँ पर रह रहे थे, जिनमें इनके बच्चे इनकी पत्नी और पुलवामा में जो है वो इनकी ड्यूटी भी वहीं पर थी। और अब परिवार वालों को जब बाकी घर में लोगों को पठानकोट में अगर जानकारी मिलेगी तो उन पे क्या बीतेगी, इसलिए परिवार भी दुखी कड़ी को बर्दाश्त कर सके इसके लिए भी दुआ करें। लेकिन दुखद तस्वीरें इस समय जो है वो आपको जीएमसी जम्मू से दिखा रहे हैं। ओम शांति जरूर लिखिएगा। फिलहाल माता रानी जी के आगे, वाहेगुरु जी के आगे, अल्लाह के आगे हम भी दुआ करते हैं कि बीएसएफ के जवान जिनके साथ ये जो भी हुआ है तो ये काफी दुखद पल है और उनकी आत्मा को शांति मिले। जी।